2 अप्रैल 1970 को एक स्वायत्त राज्य के रूप में मेघालय अस्तित्व में आया था। 1969 के असम पुनर्गठन अधिनियम के तहत मेघालय को स्वायत्त राज्य बनाया गया था, जिसके बाद 21 जनवरी 1972 को इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह लंबाई में लगभग 300 किलोमीटर और चौड़ाई में लगभग 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, जो समुद्र तल से 1496 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मेघालय दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। ये राज्य प्रसिद्ध मॉनसून, समृद्ध पारंपरिक त्योहार और नाटकीय भूभाग के लिए जाना जाता है। मेघालय में कई प्राकृतिक सौंदर्य स्थल और झरने हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध और सुंदर झरना चेरापुंजी है। मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान और 3 वन्य जीवन सेंचुरीज भी हैं। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। 2 अप्रैल 1933 को भारत के पहले क्रिकेटर कहे जाने वाले जामनगर के महाराजा कुमार रणजीत सिंह का निधन हुआ था। क्रिकेट में तमाम उपलब्धियां हासिल करने वाले रणजीत सिंह के नाम पर ही देश में जुलाई 1934 में रणजी ट्रॉफी खेलने का फैसला लिया गया और पहली सीरीज 1934-35 में हुई थी। रणजीत सिंह का जन्म 10 सितंबर 1872 को गुजरात के जामनगर के एक गांव में हुआ था। उन्होंने कभी शादी नहीं की और क्रिकेट में नाम कमाया। उन्होंने 15 टेस्ट में 2 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरी के साथ 989 रन बनाए थे, जबकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 307 मैचों में 24,692 रन अपने नाम किए। इसमें उन्होंने 72 सेंचुरी और 109 हाफ सेंचुरी लगाई थी। 56 से ज्यादा के एवरेज के साथ उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 258 रन रहा। रणजीत सिंह ने इंग्लैंड की ओर से टेस्ट क्रिकेट खेला। वो 16 वर्ष में ही इंग्लैंड पढ़ाई के लिए चले गए और यहीं से उन्होंने 1896 में क्रिकेट खेलना शुरू किया। लोग उन्हें प्यार से रणजी कहा करते थे। 2 अप्रैल 2011 को महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने दूसरी बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 6 विकेट से करारी मात दी थी। तत्कालीन कप्तान MS धोनी ने नाबाद 91 रनों की शानदार पारी खेली थी। धोनी ने 6 लगाकर मैच को फिनिश भी किया था। धोनी की कप्तानी में यह दूसरा वर्ल्ड कप का खिताब था। इससे पहले 2007 में धोनी की कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। बता दें कि 2011 से पहले 25 जून 1983 को भारतीय क्रिकेट टीम ने दुनिया को चौंकाते हुए वर्ल्ड कप का खिताब हासिल किया था। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराकर जीत दर्ज की थी। 2 अप्रैल 1792 को अमेरिकी कांग्रेस ने उस करेंसी को स्थापित किया था जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित मानी जाती है, यानी कि डॉलर। दरअसल 1792 से पहले अमेरिकियों के सामने करेंसी का बड़ा संकट था। उन्हें अगर कोई वस्तु खरीदनी होती थी या किसी की सेवा लेनी होती थी तो उसका भुगतान सोने या चांदी में होता था, जिसके बाद 2 अप्रैल 1792 को कॉइनेज एक्ट पारित हुआ। इसके साथ ही US मिंट की स्थापना हुई, जिसका काम सिक्के ढालना और दुनिया में उनके मूवमेंट को कंट्रोल करना था। पहली औपचारिक अमेरिकी मुद्रा चांदी से बना डॉलर था। वैसे तो इस कानून का उद्देश्य खरीदना बेचना आसान बनाना था, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लोगों को डॉलर पाने के लिए अपनी चांदी लानी पड़ती थी, तब मिंट उसे सिक्के में ढाल कर लौटाता था। ये एक लंबा प्रोसेस था, साथ ही आम लोगों को इसमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में स्थानीय बैंकों ने सोने या चांदी के बदले अपनी मुद्रा बनानी शुरू कर दी। 1861 में अमेरिकी कांग्रेस ने इसका व्यवहारिक हल निकाला, एक ऐसी मुद्रा जो सोने चांदी पर निर्भर ना हो। इसके तहत अमेरिका में सरकारी नियंत्रण में पहली बार कागज की मुद्रा जारी हुई। प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को विश्व स्तर पर ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को ऑटिज्म की बीमारी के बारे में जागरूक करना है और उन लोगों को सपोर्ट करना है जो इससे जूझ रहे हैं।
ऑटिज्म से पीड़ित लोग दूसरों पर बहुत निर्भर होते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑटिज्म से पीड़ित लोगों की आवश्यकता को उजागर करने के लिए 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया था। बता दें कि ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो व्यक्ति में आजीवन रहती है। बच्चों में कम उम्र में ही यह स्थिति उजागर हो जाती है। जो बच्चा इससे पीड़ित होता है उसमें मुख्य तौर से सामाजिक दुर्बलता, बात करने में मुश्किल, प्रतिबंधित व्यवहार, व्यवहार में दोहराव और एक पैटर्न दिखना शामिल है।